चलिए आज हम लोग इडुटेरिया में जो कि प्रैक्टिस सेट था उस पीछे 17 प्रैक्टिस सेट हो गया। अब हम लोग आगे 18वां पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें तो आप लोग को पढ़ा होगा, पीछे बुक लाए होंगे तो पढ़े होंगे। तो इसमें अब हम पढ़ते हैं, आप लोग अगर पढ़े होंगे तो देखिएगा, मारिएगा तो फायदा होगा। उसमें सबसे पहले क्या है, सरकार ने पीएम गति शक्ति के संचालन के लिए कितने इंजन या कारक निर्धारित किया है? 1, 3, बी में 5, C 7, D 10। तो कितने गति शक्ति पीएम ने किया है? तो C 7 पीएम ने 7। उसके बाद बजट 2022-23 के अनुसार सरकार ने रेलवे को कितने किलोमीटर रेलवे नेटवर्क पर कवच सुरक्षा प्रणाली लगाने का निर्णय लिया है? ए में 2000 किलोमीटर, बी 4000 किलोमीटर, सी 2500 किलोमीटर, डी 25000 किलोमीटर। तो कौन सा होगा दो नंबर का, बताइएगा। तो दो नंबर का होगा ए 2000 किलोमीटर। उसके बाद तीन में, भारत का पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का शुभारंभ कहाँ किया गया? ए मानेसर हरियाणा, बी नोएडा उत्तर प्रदेश, सी वाराणसी उत्तर प्रदेश, डी कुफरी हिमाचल प्रदेश। तो तीन का कौन होगा, किन्हीं को पता होगा तो बताइएगा। तो तीन का होगा ए मानेसर हरियाणा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है? ए लक्षद्वीप, बी अंडमान निकोबार, सी मिजोरम, डी अरुणाचल प्रदेश। तो चार का कौन सा होगा, चार का ए लक्षद्वीप। पांच में अब हम लोग आते हैं, तो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस के द्वारा उन्नति प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया? ए दिल्ली पुलिस द्वारा, बी लद्दाख पुलिस, सी पंजाब पुलिस, या डी बिहार पुलिस। तो किस पुलिस के द्वारा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, उन्नति प्लेटफॉर्म? तो पांच का कौन सा होगा, किन्हीं के पास पता होगा तो कमेंट कीजिए। तो पांच का ए दिल्ली पुलिस। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्यों एसटीजी शहरी सूचकांक 2021-22 में किस शहर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? ए सूरत, बी शिमला, सी भुवनेश्वर, डी बंगलोर। तो छो का कौन होगा बताइएगा कोई, तो छो का होगा बी शिमला में। साथ में, हाल ही में नाइट हुड ऑफ पाट गुफा से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने? ए एस के सोहन राय, बी उर्जित पटेल, सी सी एन राव, डी आदर पूनावाला, आदार पूनावाला। तो कौन होगा साथ में, साथ का होगा ए एस के सोहन राय के द्वारा। हाल ही में कौन सा देश क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के शासन के समाप्त होने के बाद पूरी तरह ब्रिटेन से अलग होकर गणतंत्र देश बन गया? ए बारबाडोस, बी उत्तरी मेसोडोनिया, सी वेल्स, या डी उत्तरी आयरलैंड। तो आठ का कौन होगा, आठ का ए बारबाडोस। अब हम लोग आते हैं नौ में, निम्नलिखित में से किस गैर सरकारी संगठन ने वर्ष 2021 के लिए शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार जीता है? ए नाज फाउंडेशन, बी मुस्कान फाउंडेशन, सी प्रथम, डी ज्योति फाउंडेशन। तो नौ का कौन होगा, नौ का सी प्रथम। 10 में है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने दुनिया की पहली किस मलेरिया वैक्सीन के प्रयोग को मंजूरी दी? ए में कार्वोवैक्स, बी मॉस्क्यूरिक्स, सी जानसेन, या डी नोवावैक्स। तो कौन सा होगा 10 का, 10 का होगा बी मॉस्क्यूरिक्स। मॉस्क्यूरिक्स को क्या दिया, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन प्रयोग को मंजूरी दे दी। अब हम लोग 11 में आते हैं, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंस स्टेट्स रिपोर्ट 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य है? ए उत्तर प्रदेश, बी केरल, सी महाराष्ट्र, डी गुजरात। तो 11 का कौन होगा बताएगा, तो 11 का होगा डी गुजरात में।
अब है 12 में, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किसे उच्च सदन का नेता नियुक्त किया है? तो ए नितिन गडकरी, बी जेपी नड्डा, सी पीयूष गोयल, डी प्रकाश जावड़ेकर। तो 12 का कौन होगा? 12 का सी पीयूष गोयल। 13 में, भारत का पहला विरासत संस्थान किस शहर में स्थापित करने की घोषणा की गई है? ए नोएडा, बी वाराणसी, सी सूरत, डी भोपाल। तो 13 का कौन होगा? 13 का ए नोएडा। 14 में है, इजराइल में दूतावास स्थापित करने वाला पहला खाड़ी देश कौन बना? ए बहरीन, बी कुवैत, सी कतर, डी संयुक्त अरब अमीरात। तो 14 का कौन होगा? 14 का डी संयुक्त अरब अमीरात। हाल ही में मिस इंडिया यूएसए विश्व 21 का खिताब किसने जीता? ए कृति सुरेश, बी वैदेही डोगरे, सी पूजा नंदा, डी नैना सोलंकी। तो किसने जीता है मिस इंडिया यूएस 15 में कौन सा होगा? तो 15 का बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। तो 15 का होगा बी वैदेही डोंगरे। 16 में, भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र भारत के किस शहर में स्थापित किया जाएगा? ए भुवनेश्वर, बी गांधीनगर, सी कोच्चि या डी चेन्नई। तो कौन सा होगा 16 का? कमेंट, 16 का बी गांधीनगर। 17 में है, किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों को सरकारी सेवाओं में 1% आरक्षण देने की घोषणा की है? ए उड़ीसा, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक, डी केरल। तो 17 का कौन होगा? 17 का सी कर्नाटक। नंबर 18 में, किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया? ए है IEEE इफको, बी GNFC, सी NFL या डी RCF। तो 18 का कौन होगा? 18 का इफको के द्वारा नैनो यूरिया लॉन्च किया गया लिक्विड। निम्नलिखित में से किस संस्था ने दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना के निर्माण की योजना बनाई? ए माइक्रोसॉफ्ट ने, बी गूगल ने, सी फेसबुक या डी अमेजन ने। तो किसने बनाया 19 का? बी गूगल ने। क्या बनाया? सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना का निर्माण का। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा 9 देशों के भारतीय दूतावासों में वन स्टॉप सेंटर खोले जाने की घोषणा की गई? ए शिक्षा मंत्रालय, बी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, सी पर्यावरण एवं वन मंत्रालय या डी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। तो 20 का कौन होगा? 20 का बी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। उसके बाद 21 में, बाई मेनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शंस ऑफ ए लाइफ के लेखक हैं? ए मोहम्मद हामिद अंसारी, बी रामचंद्र गुहा, सी दलाई लामा, डी शशि थरूर। तो 21 का कौन होगा? 21 का ए मोहम्मद हामिद अंसारी। निम्नलिखित में से किसे नैसकॉम की पहली महिला चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया? ए रेखा शर्मा, बी रेखा मेनन, सी गीता देसाई, डी अमृता सक्सेना। तो 22 का कौन होगा? 22 का बी रेखा मेनन। अब हम लोग आते हैं 23 में, मार्च 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किस यात्री ट्रेन को हरी झंडी दिखाई? ए मैत्री एक्सप्रेस, बी बंधन एक्सप्रेस, सी मिताली एक्सप्रेस या डी सेवा एक्सप्रेस। तो 23 का कौन होगा? 23 का सी मिताली एक्सप्रेस। 24, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा महिला शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई? ए जम्मू कश्मीर, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी नई दिल्ली। तो 24 का कौन होगा? 24 का ए जम्मू कश्मीर में क्या हुआ? सुपर 25 छात्रवृत्ति योजना की, जो कि महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लागू किया गया। एशिया पावर इंडेक्स 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है?
इस इंडेक्स में कुल 26 देशों को शामिल किया गया। भारत का स्थान फोर्थ था, या पहले स्थान पर यूएसए है, तो इसका 25 का होगा क्या होगा? 25 का होना चाहिए डी, सभी सत्य होगा। अब हम लोग 26 में आते हैं। दिसंबर 2021 में लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया? ए भारत, बी अमेरिका, सी ब्रिटेन, डी रूस। तो 26 का कौन सा होगा? 26 का बी अमेरिका। 27 में भारत के किस शहर में एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है? ए वाराणसी, बी पटना, सी भागलपुर, डी कानपुर। तो 27 का कौन होगा? 27 का बी पटना। 28 में 11 जुलाई 2021 को मनाए गए विश्व जनसंख्या दिवस का थीम था, ए में क्या? फैमिली प्लानिंग इज ए ह्यूमन राइट, बी में हाउ टू सेफ्ट गार्ड द हेल्थ एंड राइट ऑफ वोमेन एंड गर्ल्स नाउ, सी में फैमिली प्लानिंग इम्पावरिंग पीपुल डेवलपिंग नेशन, या चौथा में द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पैंडमिक ऑफ फर्टिलिटी। तो 28 में कौन होगा कमेंट कीजिएगा। तो 28 का होगा, 28 का डी होगा, द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पैंडमिक ऑन फर्टिलिटी। अब हम लोग आते हैं 29 में, पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या के लेखक कौन है? ए शंकराचार्य, बी अमित रंजन, सी सलमान खुर्शीद, या डी शशि थरूर। तो 29 में कौन सा होना चाहिए? 29 का सी, सी में क्या है? सलमान खुर्शीद। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वृद्धजनों को पोषण उपलब्ध कराने हेतु किस अभियान की शुरुआत की गई? ए वृद्धाजन पोषण अभियान, बी वृद्धजन आहार अभियान, सी स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान, या डी पोषण सुरक्षा कार्यक्रम। तो 30 का क्या होगा? 30 का ए वृद्धजन पोषण अभियान। अब हम लोग आते हैं 31 में, मिस यूनिवर्स 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ए यह खिताब पंजाब की हरनाज संधू ने जीता। दूसरा में है बी में यह खिताब जीतने वाली हरनाज संधू भारत की तीसरी महिला है, या तीसरा में इससे पूर्व 1994 में सुष्मिता सेन और 2000 में लारा दत्ता ने यह खिताब जीता। 31 में क्या होगा? 31 का होगा डी, सभी सही है कि यह खिताब पंजाब के हरनाज संधू ने जीता, और हरनाज संधू भारत की तीसरी महिला है जीतने वाली, और इससे पूर्व क्या? सुष्मिता सेन 1994 में, और 2000 में लारा दत्ता ने मिस यूनिवर्स जीता था। अब हम लोग आते हैं 32 में, ब्लॉक चेन तकनीकी का उपयोग कर शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन बना? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी कर्नाटक। तो कौन होगा 32 का? 32 का सी महाराष्ट्र। 4 से 5 दिसंबर 2021 को पांचवें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ए अबू धाबी, बी नई दिल्ली भारत, सी ढाका बांग्लादेश, डी हनोई वियतनाम। तो 33 का क्या होगा? 33 का ए अबू धाबी, यूएई। जुलाई 2021 में आयोजित कोपा अमेरिका 2021 फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब किस देश ने जीता? ए अमेरिका, बी ब्राजील, सी अर्जेंटीना, या डी उरुग्वे। तो किसने जीता 34 का? 34 का सी अर्जेंटीना। विश्व का पहला देश कौन बना जिसने गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी प्रदान की? ए इंडोनेशिया, बी बांग्लादेश, सी फिलीपींस, या डी सिंगापुर। तो कौन होगा 35 का? 35 का कोई बताइएगा। तो 35 का होगा सी फिलीपींस। बातें हैं 36 में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला कहाँ रखी गई? ए नोएडा उत्तर प्रदेश, बी वाराणसी उत्तर प्रदेश, सी इंदौर मध्य प्रदेश, या डी देहरादून उत्तराखंड। तो 36 का कौन सा होना चाहिए? 36 का ए नोएडा उत्तर प्रदेश। एनटीपीसी रेल ने देश की पहली हरित हाइड्रोजन मोबिलिटी परियोजना की स्थापना के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश के साथ
एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ए जम्मू कश्मीर, बी लद्दाख, सी पुदुचेरी, डी लक्षद्वीप। तो 37 का कौन होगा? 37 का बी। 37 का बी क्या है? लद्दाख। अब 38 में आते हैं। हैदरपुर आर्द्र भूमि को रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया। यह किस राज्य में स्थित है? ए तेलंगाना, बी उत्तर प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश, या डी राजस्थान। हैदरपुर आर्द्र भूमि का किस राज्य में है? किस राज्य में? तो 38 का कौन सा होगा? 38 का बी उत्तर प्रदेश। अक्टूबर 2021 में भारत ने किस देश के साथ मित्र शक्ति विश्व 21 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया? ए बांग्लादेश, बी नेपाल, सी म्यांमार, डी श्रीलंका। तो 39 का कौन होगा? तो 39 का डी श्रीलंका। 40। यूएसई के किस मेजर जनरल को अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसी इंटरपोल ने अध्यक्ष के रूप नियुक्त किया गया है? ए अहमद नसीर अल रईसी, बी योवेरी मुसेवेनी, सी शेख सबा अल खालिद, या डी मोहम्मद बुबोगोई। तो 40 का कौन सा होगा? 40 का बताइएगा। तो 40 का ए अहमद नसीर अल रईसी। 41 में अब आते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई जनसंख्या नीति विश्व 21-30 की घोषणा की? ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी गुजरात, डी उत्तर प्रदेश। तो कौन होगा 41 का? 41 का डी उत्तर प्रदेश। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? ए फ्रांस, बी रूस, सी सिंगापुर, डी कनाडा। तो 42 का कौन सा होना चाहिए? 42 का सी सिंगापुर। 43 में विश्व 21 में 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश द्वारा की गई? ए भारत, बी ब्राजील, सी रूस, डी दक्षिण अफ्रीका। तो 43 का ए भारत। 44 में हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस उत्तरी अमेरिकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया? ए कोस्टारिका, बी अल सल्वाडोर, सी ग्वाटेमाला, या डी प्यूटोरिको। तो 44 का कौन सा होना चाहिए? 44 का बी अल सल्वाडोर। अब आते हैं 45 में। केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग का निर्माण भारत में किया जा रहा है, वह है ए आगरा दिल्ली एक्सप्रेसवे हाईवे, बी मुंबई चेन्नई एक्सप्रेसवे हाईवे, या सी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हाईवे, या डी वाराणसी दिल्ली एक्सप्रेसवे हाईवे। तो 45 में कौन सा होगा? तो 45 का सी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हाईवे। केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार दुनिया के सबसे लंबी राजमार्ग निर्माण किया जा रहा है। हाल ही में जापान ने किस देश के सहयोग से भूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पादन शुरू किया है? ए फ्रांस, बी रूस, सी भारत, डी ऑस्ट्रेलिया। तो 46 का कौन होगा बताइएगा कोई? तो 46 का होगा डी ऑस्ट्रेलिया। अब आते हैं 47 में। लद्दाख प्रशासन द्वारा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को किस वर्ष तक पूरी तरह से जैविक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो ए विश्व 25, बी विश्व 30, सी विश्व 32, डी विश्व 40। कब तक लक्ष्य रखा गया है? तो 47 का ए विश्व 25 तक रखा गया है। भारत में पहली बार किस राज्य में मॉन्क फ्रूट की खेती शुरू की गई? ए उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी सिक्किम, डी अरुणाचल प्रदेश। तो 48 का कौन होगा? 48 का बी हिमाचल प्रदेश में। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा सी हैट ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया गया? ए स्वास्थ्य मंत्रालय, बी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, सी उपभोक्ता मामले के मंत्रालय, या डी रक्षा मंत्रालय। तो 49 का कौन होगा? 49 का डी रक्षा मंत्रालय। भारत के किस राज्य में देश का पहला क्रिप्टो गेमिंग उद्यान का उद्घाटन किया गया? ए उत्तराखंड, बी गुजरात, सी केरल, डी कर्नाटक।
तो 50 का कौन होगा? 50 का ए उत्तराखंड। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।